बिहार में मल्लाह जाति को एससी के अंदर शामिल किए जाने की मांग लंबे वक्त से उठती रही है। मल्लाह जाति को लेकर सियासत करने वाले राजनेता इसे बड़ा मुद्दा बनाते रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब केंद्र सरकार के फैसले ने उन्हें बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव था। सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने लोकसभा में दिए गए अपने जवाब से केंद्र का फैसला स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने मल्लाह और बिंद समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा तय मानक और उसके हिसाब से इन प्रस्ताव को जांचा गया, क्योंकि RGI ने एक दूसरे संदर्भ में मल्लाह जाति को ऐसी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, इसलिए यह प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री कटारिया के मुताबिक बिंद जाति के संबंध में आए प्रस्ताव को RGI की सहमति नहीं मिली। केंद्र ने RGI की टिप्पणियों के आलोक में समीक्षा के लिए इसे बिहार सरकार को वापस भेजा है। बिहार सरकार को कहा गया है कि वह अपनी क्षमताओं को जायज ठहराए। केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद बिहार में मल्लाह की राजनीति करने वाले मुकेश सहनी के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा। मुकेश सहनी फिलहाल NDA की सरकार में शामिल है और राज्य में मंत्री भी हैं। हालांकि प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि हम मल्लाह और बिंद को अनुसूचित जाति में शामिल करने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज़ादी से लेकर आज तक केंद्र ने मल्लाह और बिंद के साथ सौतेला बर्ताव किया है। सहनी ने कहा कि सभी पार्टियां फुटबॉल की तरह अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे को इधर से उधर घुमाती रहती हैं। उधर बिहार सरकार के मंत्री और JDU नेता मदन सहनी ने केंद्र के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि मल्लाह जाति इसकी हकदार है। मदन सहनी ने कहा कि केंद्र के फैसले से लगता है कि वह मल्लाह जाति को मुख्य धारा में नहीं लाना चाहती। बिहार में हमारी आबादी 1.5 करोड़ है। हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक दृष्टि से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। आज़ादी के बाद यहाँ कोई IAS मल्लाह जाति का नहीं हुआ, न राज्यपाल न मुख्यमंत्री ही बन पाया। 2 से 3 विधायक ही इस जाति से चुनकर आते हैं। जाहिर है कि केंद्र के इस फैसले के बाद आगे आने वाले दिनों में मल्लाह जाति को SC में शामिल किए जाने के मसले पर सियासत और तेज होगी, लेकिन फिलहाल केंद्र के फैसले से इस तबके के नेताओं को झटका लगा है। कोर्ट के साथ अपनी अनुशंसा भारत सरकार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जो निषाद, बिंद, बेलदार, नुनिया आदि कई जाति हैं जो समाज में पिछड़े हुए हैं, उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए भेजा गया था, परंतु भारत सरकार ने इसको रद्द कर दिया है। हम लोग मांग करते हैं कि चूंकि इसके हम लोग सही हकदार हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जनरल नॉलेज का भी विषय हो सकता है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस समाज के आज तक कोई भी एक IAS प्रतियोगिता परीक्षा पास नहीं किए हैं, न ही कोई आज तक कोई राज्यपाल बने हैं, न कोई मुख्यमंत्री बने हैं। डॉक्टर भी गिने चुने हैं, इंजीनियर भी गिने चुने हैं, इसलिए हम लोग को इसका सही हकदार हैं। इसका मांग हम लोग का सही है, हम लोग को अनुसूचित जनजाति में शामिल भारत सरकार को करना चाहिए। भारत सरकार ने जो फैसला किया है वह गलत है, उनको इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इसको आगे बढ़ाते हुए और अनुग्रह नारायण सिंह शोध संस्थान से करोड़ों रुपया खर्च करके शोध संस्थान से इथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार करवाया और तैयार कराने के बाद अपनी अनुशंसा भी भेजी। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि इसको फिर से भारत सरकार को विचार करने के लिए उसका रिपोर्ट भेजे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।